दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आपका 1 अप्रैल से बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। नया नियम बदल चुका है दोस्तों। आरबीआई के अनुसार आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 का अंतिम वित्त वर्ष है, जिससे बैंक में बहुत से कार्य होते हैं, जिससे मार्च महीने में सभी खातों का हिसाब किताब अच्छे से किया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल वर्ष की शुरू हो जाएगी। तो इस कारण से सभी बैंक अपने पुराने एक साल के हिसाब किताब को अच्छे से देखते हैं और सही करते हैं, जिससे एक वर्ष में किए गए सभी ट्रांजेक्शन्स का सही हिसाब किताब हो। इसलिए आरबीआई द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 31 मार्च तक सभी बैंक रविवार को खुले रहेंगे, क्योंकि साल भर के हिसाब किताब को जांचना, क्लोजिंग करना और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बैंकों को करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 3 अलर्ट होता है। अलर्ट नंबर 1, अगर आपके मोबाइल पर बार बार किसी अनजान नंबर से SMS कॉल आ रहा है और कॉल आपके खाते के लेन देन से संबंधित है तो सतर्क रहें, आपकी बहुत कुछ जानकारी उस फ्रॉड के पास है, जिसके केवल उन्हें अपने OTP की ज़रूरत है, जिसे वह प्राप्त करके आपका खाता खाली कर सकते हैं। नंबर 2, मोबाइल उपयोगकर्ताओं को किसी भी अनजान ऐप को अपने फ़ोन पर न रखने के लिए सरकार ने नियम जारी किए हैं, जिससे आपको उन ऐप से दूरी बरकरार रखना है, यानी आपको फालतू ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। अलर्ट 3, क्रेडिट कार्ड यूजर को अपना OTP से अलावा कार्ड की जानकारी छुपाकर रखनी चाहिए। ज़्यादातर विदेशी लेन देन के लिए OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे में बैंक ने इससे लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके साथ ही RBI ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए यहाँ भी कहा है कि सभी सरकार लेन देनों के लिए शाखाएं भी खोलने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि इन दिनों ग्राहकों के लिए बैंक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, परंतु बैंकों में चेक कार्य किया जाएगा, जिसे लोग बैंक में चेक जमा कर सकते हैं और उसके साथ नेट बैंकिंग को भी खोला जाएगा। लगातार 31 मार्च तक बैंकों को खोला जाएगा। इसके बाद 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं होगा। तो आपको अगर कोई बैंक में काम है तो आप अपने बैंक कार्य को 3 अप्रैल से कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।